में क्या पढ़ा था, रिडॉक्स रिएक्शन। वहां आपने रिडॉक्स में क्या पढ़ा था, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीड क्या होता है, एड ऑफ ऑक्सीजन, और रिडक्शन क्या होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। अब हमारे टॉपिक सिर्फ दो टॉपिक है जो मैंने कवर करा रहे हैं, पर मैंने इसमें कुछ ऐड भी किया है, इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, क्या क्या इफेक्ट होते हैं ऑक्सीडेशन के, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में आपने कौन सी प्रोसेस पढ़ी थी, ग्लूकोज वाली, ठीक है। रेस्पिरेशन क्या होती है, एक्सोथर्मिक होती है, तो वही चीज इसमें लिखनी है। दूसरा आता है कंबशन। कंबशन में हमने क्या पढ़ा था, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, मीथेन था, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर। ऑक्सीजन क्या हो रही थी, ऐड हो रही थी। तो ये थे हमारे दो टॉपिक इसमें जो आप पहले पढ़ चुके हैं, पर इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन में भी इसे बता सकते हैं। थर्ड आता है कोरोजन, फोर आता है रेंसिडिटी। ये दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको कोरोजन और रेंसिडिटी को डिटेलिंग में समझाऊंगी। तो गाइस अब हम पढ़ते हैं कोरोजन के बारे में। कोरोजन, कोरोजन मतलब क्या होता है, कोरोड, कोरोड मतलब जंग लगना। अगर आप लोहे को बाहर रख दो कुछ दिनों के लिए, तो उसमें क्या देखोगे, ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है ना, तो ब्राउन कलर की लेयर, ये लोहा है इसके ऊपर ब्राउन कलर की जो लेयर आ जाती है, उसका मतलब क्या है, हमारे लोहे को जंग लग चुका है। हाँ जी, वो क्या हो चुका है, कोरोड हो चुका है। तो ये कैसी प्रोसेस होती है, केमिकल प्रोसेस होती है, स्लो प्रोसेस होती है। समझो अभी कैसे है, डेफिनेशन है, द केमिकल प्रोसेस, कैसी प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस ऑफ स्लो ईटिंग अप ऑफ सरफेस ऑफ सर्टेन मेटल्स व्हेन कैप्ट ओपन इन लॉन्ग टाइम। जब हम किसी भी मेटल को, मेटल कैसा होना चाहिए, हाईली रिएक्टिव मेटल को कुछ टाइम के लिए बाहर रख देते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है, उसका सरफेस कैसा हो जाता है, फेड होना स्टार्ट हो जाता है, उसके ऊपर किसी और चीज की लेयर आ जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, कोरोजन। फॉर एग्जाम्पल क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन का जंग लगना। लास्ट टाइम बताया था रस्टिंग ऑफ आयरन का फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3 × XH2O, हाइड्रेटिंग फेरिक ऑक्साइड भी से बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब ये बनता कैसे है ये और समझो, आयरन था, आयरन को हमने क्या रख दिया, बाहर रख दिया। एयर में कौन सी गैस प्रेजेंट है, ऑक्सीजन, और एयर में मॉइस्चर भी प्रेजेंट होता है, किस फॉर्म में, वॉटर की फॉर्म में। जब आयरन के साथ ये दोनों चीजें रिएक्ट करेगी तो क्या बन जाएगा, फेरिक ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड इनटू में XH2O, वाटर के मॉलिक्यूल्स है, इसलिए हम इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड क्या होता है, जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हाइड्रेटिंग फेरिक ऑक्साइड। ये था आपका कोरोजन, इसका एग्जाम्पल। मैं आपको और एग्जाम्पल देना चाहूंगी, पहला मैं आपको बताना चाहूंगी आयरन। आयरन के ऊपर कैसे कलर का कोरोजन हो जाता है, ब्राउन कलर का। कैसे कलर का होता है, ब्राउन कलर का, जिसको हम क्या बोलते हैं, रस्ट। इसके बाद आता है सिल्वर। सिल्वर में कौन से कलर का कोरोजन हो जाता है, ब्लैक कलर का। कैसे कलर का, ब्लैक कलर का सिल्वर। तीसरा आता है कॉपर। क्या आता है, कॉपर। कॉपर में कौन से कलर का हो जाता है, ग्रीन कलर का, ठीक है। ये क्या है, रस्ट या कोटिंग ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ये कोटिंग हो जाती है ऑक्सीडेशन के कारण। ब्राउन कलर की होती है आयरन पे, सिल्वर एजी पे किसकी हो जाती है, ब्लैक कलर की। कॉपर पे किसकी हो जाती है, ग्रीन कलर की हो जाती है। इनकी रिएक्शन देख लो, सिल्वर था, सिल्वर को हम किसमें कर देंगे, सल्फाइड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, Ag2S। ये क्या बन गया हमारा, सिल्वर सल्फाइड, जो कि ब्लैक कलर की कोटिंग कर देता है, ठीक है। यहाँ आया समझ में, कॉपर, कॉपर था, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड, जो कि ग्रीन कलर की कोटिंग कर देता है। और आयरन वाला मैं आपको पहले ही बता चुकी, ये था कोरोजन। अब आते हैं इसके कुछ प्रिवेंशन मेथड। ये आपके चैप्टर
थ्री में भी आएगा पर थोड़ा सा यहाँ समझ लो। तो गाइस अब आते हैं कोरोजन के प्रिवेंशन मेथड। क्या क्या आता है? सबसे पहले आता है बाय अप्लाइंग पेंट। हम पेंट लगा सकते हैं आयरन के आर्टिकल्स पर, ये आपका क्वेश्चन भी है, ठीक है। दूसरा आता है मेकिंग अलॉय। अलॉय आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। अलॉय क्या होता है? मिक्सचर होता है मेटल और नॉन मेटल का, ठीक है। नॉन मेटल का भी हो सकता है, ये होता है अलॉय। तीसरा आता है गैल्वनाइजेशन। गैल्वनाइजेशन क्या होता है? जिसमें हम आयरन के ऊपर एक क्या कर सकते हैं, लेयरिंग कर सकते हैं किसी अदर सब्सटेंस की। और बाय लेयरिंग, जैसे आयरन के ऊपर हमने क्या लगा दिया, कॉपर लगा दिया, कॉपर को जंग कम लगता है। ये थे इसके प्रिवेंशन मेथड। अब मैं आपको पढ़ाऊंगी रेंसिडिटी। तो गाइस अब हम पढ़ते हैं रेंसिडिटी के बारे में। रेंसिडिटी क्या होता है? रेंसिड, रेंसिड मतलब खराब हो जाना। गर्मियों में आपकी जो चीजें होती है, सब्जी होती है या जो भी दूध है, ये सब क्या होता है, अगर हम इसको बाहर रख दें, बाहर का टेम्परेचर कैसा होता है, बहुत गर्म होता है, हाई होता है, तो उस टेम्परेचर में हमारी चीजें क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। उसके अंदर से गंदा टेस्ट आने लग जाता है। जब आप टेस्ट करते हो तो वो बहुत गंदी हो जाती है, स्मेल करते हो तो बहुत गंदी और फाउल, फाउल मतलब बहुत गंदी स्मेल आती है। तो उसको क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी, सड़ना। क्या बोलते हैं? सड़ना। कोई भी चीज जब सड़ जाती है। तो अब आती है इसकी डेफिनेशन। द स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट प्रेजेंट इन फूड मटेरियल। हमारे फूड मटेरियल में हम क्या डालते हैं, तेल डालते हैं, फैट डालते हैं, घी डालते हैं, ठीक है, उससे बनती है ना हमारी सब्जियां। तो वो चीजें क्या हो जाती है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन होने स्टार्ट हो जाती है उसमें, जिसके कारण हमारी खाने की चीज में क्या हो जाती है, बैड स्मेल, गंदी स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती है। ओडर, ओडर मतलब वो देखने में भी गंदी हो जाती है। और टेस्ट, और जब उसे टेस्ट करते तो बहुत खट्टा खट्टा गंदा सा टेस्ट आता है, वो होता है रेंसिडिटी। एग्जांपल जैसे इटेबल सब्सटेंस है, पिकल है, इवन वो भी खराब हो जाता है गर्मियों में अगर हम उसे बाहर रख देते हैं, ठीक है। सब्जियां है बाहर रख दी तो खराब हो जाती है। दूध है ज्यादा देर तक बाहर रख दिया तो वो फट जाता है, ये होता है रेंसिडिटी। अब आता है प्रिवेंशन मेथड ऑफ रेंसिडिटी। तो गाइस अब आते हैं प्रिवेंशन मेथड ऑफ रेंसिडिटी। रेंसिडिटी से हम कैसे बचा सकते हैं अपने खाने को, अगर हम उसे रखते भाई कैप्टिव रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर में रखते। रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर कैसा होता है, लो होता है, लो टेम्परेचर ठंडा रखता है, हाई टेम्परेचर में गर्मी हो जाती है, ठीक है। तो रेफ्रिजरेटर में रख देंगे तो हमारा खाना क्या हो जाएगा, रेंसिड नहीं होगा। नंबर टू, एयर टाइट कंटेनर। चीजों को कंटेनर डब्बों में क्यों रखते हैं हम, और उसे अच्छे से बंद करके क्यों रखते हैं, ताकि एयर ना जाए, मॉइस्चर ना जाए और हमारी चीजें खराब ना होए। नंबर थ्री, नाइट्रोजन गैस फिल इन चिप्स पैकेट। नाइट्रोजन गैस को हम फिल करते हैं किसमें, चिप्स के पैकेट में। आप जब चिप्स का पैकेट लाते हो उसको देखते हो और ये तो बहुत मोटा है, आपको लगता है इसमें से तो बहुत सारी चिप्स निकलेगी, कुरकुरे निकलेंगे, पर जब आप खोलते हो तो उसमें कितनी निकलती है, गिनती है 5-10। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर फिल की जाती है नाइट्रोजन गैस। हाँ जी, कौन सी गैस, नाइट्रोजन गैस, जो हमारी उस चीज को रेंसिड होने से बचाती है, ठीक है, इसलिए हम नाइट्रोजन गैस को फिल करते हैं। नंबर फोर, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं, जो ऑक्सीडेशन को रोकते हैं, ये हम खाने में ऐड करते हैं, ठीक है, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट इन फूड। अगर लॉन्ग टाइम के लिए खाना रखना है तो उसमें हम ऐड कर सकते हैं। अब जैसे मैं आपको एंटीऑक्सीडेंट के बारे में 2-3 पॉइंट बताऊंगी, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे अलग अलग से पूछा जा सकता है व्हाट आर एंटीऑक्सीडेंट विद एग्जांपल। तो गाइस अब हम आते हैं एंटीऑक्सीडेंट पे। एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं, वो सब्सटेंस जो हेल्प करते हैं टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन को रोकने में हेल्प होते हैं। फॉर एग्जांपल एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड क्या होता है, विटामिन सी। हाँ जी, विटामिन सी। विटामिन सी किसमें मिलता है बताओ? हाँ जी, आपके नींबू में मिलता है और फ्रूट में मिलता है। नंबर टू, BHT, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलीन। ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलीन
और BHA ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिजोल, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिजोल, ये आपके पेपर में सीधा क्वेश्चन आएगा, व्हाट आर एंटीऑक्सीडेंट विद एग्जांपल, तो ये बताना एंटीऑक्सीडेंट ये होते हैं, प्लस में ये एग्जांपल भी आपको देने हैं। आ गया समझ में? तो गाइस यहाँ पे हमारा चैप्टर क्या होता है, फिनिश होता है। तो मैंने आपको केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन फुल चैप्टर करा दिया है। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली अभी इस चैप्टर में। फिर भी कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। अब मैं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर और समझाना चाहूंगी ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए और इस चैप्टर होने के बाद आप इसको अच्छे से पढ़ पाए। तो गाइस आपके जो टेस्टुअल और एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर है उनमें से एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना। तो गाइस आपका पहला क्वेश्चन है आपके टेस्टुअल में कि मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करने से पहले बर्न क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है? क्योंकि मैग्नीशियम रिबन पे क्या आ जाती है, ऑक्साइड लेयर आ जाती है, और वो ऑक्साइड लेयर को अगर हम क्लीन नहीं करेंगे, डायरेक्ट बर्न करने लग जाएंगे, तो वो ऑक्साइड लेयर क्या करेगी, मैग्नीशियम रिबन को बर्न होने से, जलने से रोक देगी। तो हमारे को रिजल्ट में हमें व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट नहीं मिल पाएंगे, इसलिए हम मैग्नीशियम रिबन को क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। उसके बाद आपकी कुछ रिएक्शन दी गई है, आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। रिएक्शन को बैलेंस करना बहुत ईजी है, फॉर्मूले के हिसाब से उसे लिखते जाना, आप उसे समझ जाएंगे। अगर फिर भी दिक्कत आए तो मेरे PDF में आपके क्वेश्चन के आंसर आपको वहां मिल जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट बॉक्स में आपको एक क्विक लाइम वाला एक्स करके क्वेश्चन दे रखा होगा कि इसमें एक्स एलिमेंट कौन सा है, तो वो क्विक लाइम वाला क्वेश्चन है जो मैं आपको अपनी एक्टिविटी में डिटेल बता चुकी हूँ। उसके बाद रिडोक्स वाले क्वेश्चन पाएंगे कि इसमें से ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है, ये सारे क्वेश्चन टेस्टुअल वाले आपको आपके टॉपिक से क्लियर हो जाएंगे। अब आते हैं एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज में पहले MCQ है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, रिएक्शन को देख के पहचानना ही है। उसके बाद बैलेंसिंग करनी है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है और इसे हम बैलेंस क्यों करते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है, जिसमें नंबर ऑफ रिएक्टेंट इक्वल है नंबर ऑफ प्रोडक्ट के, जितना हमने लिया। अगर मैंने पानी और चीनी, पानी लिया मैंने 100 ml, चीनी ली उसके अंदर 2 g, तो वो पूरा मिक्स हो गया, तो इतना ही हमारे को प्रोडक्ट में बन के आना चाहिए। तो सेम नंबर ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू सेम नंबर ऑफ प्रोडक्ट, इसको बैलेंस केमिकल इक्वेशन। वो बैलेंस क्यों होनी चाहिए बता सकते हैं कोई? उसका सिंपल सा आंसर क्या लिख रहे हैं आपको, टू कंफर्म द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। किस लिए? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर इनटू वन फॉर्म टू अनदर। कि जो मास है उसे ना तो अपने आप से बना सकते हैं ना उसे घटा सकते हैं, पर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, उसका से ये आएगा। फिर बैलेंस केमिकल आएगी, फिर कॉम्बिनेशन डिस्प्ले, कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन में डिफरेंस है, एक्सो एंडो में डिफरेंस है, डबल डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस आ जाएगा, और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन अलग से आ जाएगी, और सिल्वर और कॉपर वाली रिएक्शन आएगी, वो एक्टिविटी भी मैं आपको समझा चुकी हूँ। फिर आएगा आयरन आर्टिकल्स पे पेंट क्यों करते हैं, क्रोजन से बचाने के लिए, ऑयल और फैट सब्सटेंस को हम क्यों वो करके रखते हैं, उसके अंदर क्या डालते हैं, एंटीऑक्सीडेंट डालते हैं ताकि वो रेसिडिटी से बच सके। तो ये क्वेश्चन आपके मेनली आने वाले हैं, वो आपके वहाँ से क्लियर हो गए। अब मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताने जा रही हूँ, तो आई होप आप इसको ध्यान से नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट लेके इसको जरूर लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़े से वो तो करने करने, उनके साथ ये भी करने हैं। गाइस यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन आता है, एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन दिया जाता है, डायग्राम बना के ये क्वेश्चन पुट किया जाता है, ध्यान से देखोगे तो ये आपकी एक एक्टिविटी ही है। अगर एक मेटल को हमने ट्रीट कर दिया डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ठीक है, तो उसके ऊपर ये जो बबल फॉर्म में दिख रही है क्या है, गैस निकलेगी, तो हमें इस गैस का नाम बताना है। बताओ मेटल है, मेटल जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या कर देता है, हाइड्रोजन गैस को लिब्रेट करता है, क्या करता है, हाइड्रोजन गैस को निकालता है।
इस गैस का नाम क्या है? हाइड्रोजन गैस। अब आता है इसका मेथड ऑफ कलेक्शन, आप इसको कैसे कलेक्ट कर सकते हो बताना चाहेगा कोई? बहुत इजी है, हम वाटर के ऊपर ये गैस आ जाएगी, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से, कौन सा मेथड है? डिस्प्लेसमेंट। मैटर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा और H2 जो हाइड्रोजन है उसे निकाल देगा। अगर गैस सोल्यूबल होगी, नहीं हो क्या सोल्यूबल नहीं होगी। अब पूछा है गैस हैवियर होगी लाइटर, गैस क्या होगी? लाइटर होगी एयर से, तभी तो वो उड़ गई, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट लगा तो ये मैंने कराया। तो गाइस अब मेरा सेकेंड क्वेश्चन आता है, व्हाई डू फ्लाइज ग्लो एट नाइट। जो फ्लाइज होती है, फ्लाइज क्या होती है? जुगनू। वो रात में क्यों चमकते हैं? क्योंकि जुगनुओं के पास क्या होता है? दे हैव ओन देयर प्रोटीन, उसके पास प्रोटीन होता है, और उनकी बॉडी में जब एंजाइम्स एक्टिविटी होती है तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? ऑक्सीडेशन प्रोसेस, दे प्रोड्यूस ऑक्सीडेशन प्रोसेस, और ड्यूरिंग दिस ऑक्सीडेशन दे एमिट लाइट एंड साउंड, ठीक है। वो एमिट करते हैं, छोड़ते हैं लाइट और साउंड, इस वजह से वो रात को क्या करते हैं? चमचमाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये टेस्ट के ऊपर आ जाता है क्वेश्चन, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड गैस का हम टेस्ट कैसे कर सकते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड का, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का मैंने बताया था कैसे होता है, पॉप साउंड क्रिएट होती है जब हम मैटर को किसी भी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, तो कैसा सिंपल लिख रहे हैं इसमें, दी हाइड्रोजन टेस्ट विल बी कंफर्म बाय दी हाइड्रोजन गैस विल बी कंफर्म बाय पॉप साउंड विद बबल फॉर्म, ठीक है। हाइड्रोजन गैस क्या होती है? ऊपर की तरफ निकलती है अपवर्ड डायरेक्शन में पॉप साउंड करती हुई बबल फॉर्म में। इसके बाद आता है ऑक्सीजन गैस किसमें ऐड करती है? बर्न करने में। तो आप जब भी किसी भी चीज को बर्न करेंगे, मैचस्टिक से जलाएंगे और वो बर्न हो रही है, तो इसका मतलब वहां पे कौन सी गैस है? ऑक्सीजन गैस। सल्फर डाइऑक्साइड गैस की एक अपनी एक स्मेल होती है, कैसी स्मेल होती है? पंगन, पंगन स्मेल होती है इसकी। इसके बाद जब भी सल्फर डाइऑक्साइड, जैसे आपने कोई भी पोटेशियम पर मैग्नेट लिया, कैसे कलर का होता है? पिंक कलर का। पर जब आप इसकी रिएक्शन सल्फर डाइऑक्साइड गैस के साथ कराएंगे तो वो कैसे कलर में कन्वर्ट हो जाएगा? लाइट ग्रीन कलर में। तो कोई भी डार्क चीज लाइट कलर में चेंज हो रही है तो किस कारण होगी? सल्फर डाइऑक्साइड गैस के कारण। अब आता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सिंपल है। जब आपने कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम में क्या पास की थी? कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसने क्या प्रोड्यूस किया था? मार्बल। वो जो मार्बल का फॉर्मूला था कैसा था बता सकते कोई? मिल्की। कैसा? मिल्की नेचर। तो ये कैसा नेचर प्रोड्यूस करती है? मिल्की नेचर। तो इससे हम इसका टेस्ट कर सकते हैं, पॉप साउंड बर्न करती है ये पंगन स्मेल होती है विद क्या करती है? डार्क को लाइट कलर में कन्वर्ट कराती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है? मिल्की नेचर करवा देती है। इसके बाद आता है जिंक, जब ट्रीट करेगा डाइल्यूट H2SO4 HCl HNO3 NaCl के साथ क्या बनाएगा? याद रखना, जिंक NaCl के साथ कोई रिएक्शन नहीं देगा, नो रिएक्शन, और इन सबके साथ रिएक्शन देगा। याद रखोगे ना, जिंक NaCl के साथ कोई रिएक्शन नहीं देगा। अगर जिंक की हम H2SO4 के साथ कराए, बैलेंस जरूर करना, क्या बनेगा? जिंक सल्फेट प्लस में हाइड्रोजन। अगर जिंक की हम HCl के साथ कराए तो क्या बनेगा? जिंक क्लोराइड प्लस में हाइड्रोजन। HNO3 के साथ कराए तो जिंक नाइट्रेट प्लस में हाइड्रोजन। NaCl के साथ रिएक्शन नहीं होगी, और NaOH और आ जाए इसमें तो जिंक सोडियम जिंकेट बन जाएगा और हाइड्रोजन पर NaCl के साथ रिएक्शन नहीं होगी, याद रखना। NaCl के साथ रिएक्शन नहीं होगी, याद रखना। तो गाइस इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है, ए सिल्वर आर्टिकल टर्न ब्लैक व्हेन कैप्ट ओपन एयर फ्यू डेज, नेम द फिनोमिना। जब हमने सिल्वर आर्टिकल को कुछ दिनों के लिए बाहर रख दिया तो कैसा हो जाएगा? ब्लैक कलर में हो जाएगा। किस कारण होएगा, कैसे होएगा, वो डिटेलिंग बतानी है। ब्लैक सब्सटेंस कौन सा बनेगा और केमिकल फॉर्मूला बताना है। तो ध्यान से देखो कि जब हम उसे बाहर रख देंगे तो क्या होएगा? एयर में कौन सी गैस प्रेजेंट है? हाइड्रोजन सल्फाइड। कौन सी गैस प्रेजेंट है? हाइड्रोजन सल्फाइड। जब ये सिल्वर के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या बना रहेगी? सिल्वर सल्फाइड। क्या बनाएगी? सिल्वर सल्फाइड, ब्लैक कलर का होगा। और इस फिनोमिना
हाइड्रोजन परोक्साइड का फॉर्मूला क्या है, H2O2 ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, सिल्वर सल्फाइड। ठीक है, ये वापिस से व्हाइट कलर का हमें मिल जाएगा और वॉटर निकल जाएगा। ये था क्वेश्चन। इसके बाद आपके कुछ क्वेश्चन आते हैं, फिजिकल और केमिकल चेंज बताओ इनमें से कौन सा है, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक प्रोसेस कौन सी है। याद रखना डीकम्पोजिशन एंडोथर्मिक है, कॉम्बिनेशन में एक्सोथर्मिक होती है, जिसमें हीट रिलीज हो एक्सो, जिसमें हीट एब्जॉर्ब होके कुछ टूट रहा है एंडो। फिजिकल और केमिकल चेंज क्या है, वो चेंज जो हमें फिजिकली अपीयर हो रहे हैं, ठीक है, और केमिकल चेंज किसी केमिकल प्रोसेस के द्वारा वो चेंज हो रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहते हैं। तो गाइज आई होप आज आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आपकी जो मुश्किल है वो अब आसान हो गई होगी। तो गाइज अगर अभी भी कोई भी क्वेरी रह जाए उसे कमेंट में जरूर बताना। ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे, इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसे मत सोचना नहीं आएंगे, उसका मैं आपको एग्जाम्पल दे चुकी हूँ कैसे आएंगे। तो ध्यान से पूरे पार्ट को अच्छी तरह देखने के बाद ही क्वेश्चन आंसर को देखना, फिर आपके लिए इजी हो जाएगा। और जिन लोगों ने, जिन बच्चों ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आगे अभी कितने चैप्टर बाकी है, 15 चैप्टर और रिमेनिंग है, तो उनको भी अच्छे से समझना है। मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना गाइस, फर्स्ट चैप्टर बिल्कुल अच्छे से कर लेना। आपका होमवर्क ही यही है कि जब मेरी नेक्स्ट चैप्टर मैं आपको स्टार्ट कराऊँ तो आपको फर्स्ट चैप्टर यहाँ नहीं यहाँ पे याद हो जाना चाहिए अच्छे से, और ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है तो इसको बिल्कुल अच्छे से कर लेना। और मेरी वीडियो पसंद आई, जो सा सेशन आपको अच्छा लगा उसे कमेंट में बताना, क्वेरी हो उसे कमेंट में जरूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, जल्दी से लाइक कर देना। आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो उसे शेयर जरूर करना, शेयर करना जरूरी है, क्यों, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बता पाए कि साइंस